ठीक है, सो टुडे टॉपिक इज बुलियन. सो हाउ टू यूज बुलियन इन पाइथन, क्या यूजर्स हैं, कैसे यूज करते हैं एंड बुलियंस क्या होता है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्ट. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज बुलियन? सो वेल बेसिकली बुलियन अलजेब्रा इज द सबसेट ऑफ अलजेब्रा इन विच इट रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट वैलिड ट्रू और फॉल्स. सो मीन्स ऑफ व्हाट, कहने का मतलब क्या है कि बेसिकली जो बुलियन इज लाइक स्पेसिफिक अलजेब्रिक नोटेशन. ठीक है, तो बुलियन अलजेब्रा जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि जो भी स्टेटमेंट है, आपने जो भी स्टेटमेंट डिफाइन किया है, सो अगर स्टेट वो स्पेसिफिक ये आपको बताएगा कि ये एक्सप्रेशन ट्रू है या फॉल्स है. सिंपल है. ठीक है, सो बुलियंस बेसिकली लाइक स्टेटमेंट्स लाइक ट्रू और फॉल्स, वो क्या करता है एक्चुअल, वो चीज को रिप्रेजेंट करता है. सिंपल. दूसरा पॉइंट बात करो, सो बुलियंस आर अ सब क्लास ऑफ इंटीजर्स एंड इट्स बिहेव रिस्पेक्टिव लाइक वन एंड जीरो. सो व्हाट इज इंटीजर? सो अगर आपको इंटीजर्स एंड नंबर्स नहीं पता गाइस, सो प्लीज जस्ट वॉच माई प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने वेल एक्सप्लेन किया हुआ है वॉट इज नंबर्स, वॉट इज इंट एंड फ्लोट, एवरीथिंग. सो इफ आई टॉक अबाउट बुलियंस, सो बुलियंस बेसिकली क्या है, इज अ सब क्लास ऑफ इंटीजर एंड इट्स बिहेव रिस्पेक्टिव लाइक वन एंड जीरो. सो दैट मीन्स वॉट, कि अगर मेरा स्टेटमेंट ट्रू होगा सो इट्स बिहेव लाइक अ वन, मतलब जो सब क्लास ऑफ इंटीजर, बिकॉज बुलियन इज सब क्लास ऑफ इंटीजर. सो अगर मेरा स्टेटमेंट ट्रू होगा सो इट्स रिस्पेक्टली इट्स बिहेव लाइक अ वन, अगर स्टेटमेंट मेरा फॉल्स होगा इट्स बिहेव लाइक अ जीरो. सिंपल एज इट. बट हाउ? सो इसको थोड़ा हम प्रैक्टिकली देखते हैं सो वी कैन क्लियर दिस थिंग्स. सो व्हाट आई विल डू हियर, मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, देन मैंने यहाँ पे लिखा इंट एंड यूजिंग दिस ट्रू. सो बेसिकली इंट इज दिस इंट मेथड स्पेसिफाई द इंटीजर वैल्यू. तो आपको अगर जो भी आप वैल्यू पास करोगे तो वो शो करेगा दिस इंटीजर वैल्यू और नॉट. सो वंस आई रन दिस स्टेटमेंट एंड एज यू कैन सी हियर वी आर गेटिंग वन. सो इट्स लाइक टोल्ड यू, बिकॉज दिस ट्रू इट्स अ सब क्लास ऑफ, इट्स अ बुलियन एंड इट्स अ सब क्लास ऑफ इंटीजर. सो जब मैं ट्रू रिप्रेजेंट करता हूँ इट इज बिहेव लाइक अ वन, एंड इफ आई कॉल प्रिंट इंट देन फॉल्स. ओके, सो इफ आई रन दिस अगेन and as you can see it's called a zero. Perfect, right? So now let's create some boolean expression. So I said bool, which is boolean. It's like also is an inbuilt method inside the Python, and I'm just passing one parameter, one value here, this parametric value which is called 25, and let's see what we get here. And as you can see we are getting a true. So that means what, when I pass any specific value inside this boolean, so वो मुझे बताएगा this value is true or false, right? Now again if I call boolean minus 45 and let's see what is gonna happen. Well still it's give me a word true well. But why is that? Because मैंने तो इस negative number pass किया like minus 45. So why this boolean expression is giving a true? Well, in Python, जितने भी non zero number होते हैं, मतलब जो भी number it's not belongs to zero, मतलब zero नहीं है, चाहे वो minus में रहे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता. जो non zero numbers रहेंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं, true होते हैं. One thing remember, you have to remember this one thing, कि जितने भी नॉन जीरो नंबर होंगे चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, वो सारे के सारे वैल्यू ट्रू होंगे. Now in this case, if I call print boolean like zero, now if I run this again, and as you can see we are getting false here. So once we get zero, that means what, this statement, this expression is a false. Okay? Like so. And I'm going to show you one important thing also, because the boolean hai, we also can use with a logical operator. So logical operator is basically like a and or a not just like opposite or like true or false karega, and false or true karega.
तो ये स्पेसिफिक जो टॉपिक है इन फ्यूचर में कवर करूंगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि कैसे बुलियन एक्सप्रेशन के साथ लॉजिकल ऑपरेटर को यूज किया जाता है। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई जस्ट कॉल प्रिंट एस ए नॉट ट्रू। तो आई एम जस्ट सिंपली राइटिंग दिस एक्सप्रेशन नॉट ट्रू। सो ये नॉट इज लाइक मेरा लॉजिकल ऑपरेटर हो गया विच इज नॉट। सो ये क्या करेगा, ट्रू को फॉल्स करेगा। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आते हो, अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू नो गाइस, सो वहाँ पे हम लोग नेगेशन है विच इज एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं लाइक सो। बट यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं, यहाँ पे जो सिंपल स्टेटमेंट लिखना बट है नॉट। सो अगर मैंने नॉट लगाया किसी किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर थिंग को, सो वो क्या करेगा, लाइक अ बिहेव लाइक अ लॉजिकल ऑपरेशन। सो नाउ इफ यू कॉल दिस थिंग्स हियर, एज यू कैन सी वी आर गेटिंग नॉट ट्रू, इट्स बिकम अ फॉल्स। So if I call false, and let's see what we're gonna get here. So if you run this expression, and as you can see here, we are getting true. Perfect. Now if I call true and true, so and is basically जो logical operator होता है वो क्या करता है कि दोनों expression जो भी specific expression है अगर वो दोनों true होंगे तभी वो output आपको क्या करेगा, true देगा। उसमें एक भी एक्सप्रेशन अगर फॉल्स हुआ तो स्टेटमेंट क्या करेगा, फॉल्स कॉल करेगा। एंड सिंपली आई जस्ट यूज ट्रू और फॉल्स। सो लेट्स सी व्हाट वी गोना गेट हियर। सो ऑब्वियसली वी गोना गेट, बिकॉज ऑल में कैसा होता है, एक भी स्टेटमेंट ट्रू हुआ तो ऑब्वियसली क्या हुआ, वो मुझे ट्रू कॉल कर गया। ओके एंड वन लास्ट थिंग आई जस्ट वांट टू कवर हियर कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखो, Now I'm just calling 10 plus true, है ना? So what do you think, guys? What would be the output? क्या होगा? Well, if I run this one, and let's see what's gonna happen. We are getting 11. But how? Because मैंने यहाँ पे क्या किया? 10 as a integer value ली, और मैंने mathematical expression लगाया plus sign. And then I'm using that boolean expression like true. So I said 10 plus true and it's giving the 11. Just like told you before, because the boolean is like a subclass of integer and it's behave like a 1 and 0. So basically true, it's like 1, right? So 10 plus 1, now it's become a 11. Simple. If I call this print 12 plus false, so obviously, so 12 plus 0, that's become what, 12. Okay, so I hope you guys aapko boolean ke concepts clear ho rahenge. Okay, so that's it for today guys, I'll see you next time, bye, take care.